मानक हाइड्रोजन ये तो। एनएची और एसएची इसके नाम ही है। सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह आपका क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो यह होता क्या है, आप देखो मानक परिस्थितियों में अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो कोई भी इलेक्ट्रोड है उस एक अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? क्योंकि साथ में दो होंगे तभी शेल का विभव होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए स्वेच्छा से कोई भी एक इलेक्ट्रोड ऐसा ले लेते हैं जिसका मानक जो एक परिस्थिति में जो विभव है वो क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आप लोगों की जो क्लास है उस क्लास में एक बच्चा है रामू। अब रामू के अगर तुलना करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि रामू मोहन से होशियार है और रामू सुरेश से क्या है? कमजोर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दो के सापेक्ष तुलना की जा रही है, एक से तो होशियार हो रहा है दूसरे से क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। तो उस रामू को आपने क्या मान लिया? एक आधार मान लिया। क्या मान लिया? आधार मान लिया। उसको आधार मानते हुए दूसरे बच्चे होशियार है कि कमजोर है यह आप क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं। समझ में आ गई कि नहीं? तो उसको आपने रिफरेंस मान लिया। जिस इलेक्ट्रोड को आधार मानते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रोड है जैसे सारी की सारी धातुएं हैं अधातुएं हैं तो उनके विभव का ऐसे तो अंदाजा किया नहीं जा सकता। तो किसी एक को आधार मान लेते हैं, उसको आधार मानते हुए दूसरी जो धातु और अधातु है उनका उसके आधार पर क्या ज्ञात कर लिया जाता है? विभव ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ना वो शेलों के विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्वेच्छा से किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव क्या मान लिया जाता है? मानक परिस्थितियों में शून्य मान लिया जाता है। और उसी को आधार मानते हुए दूसरे इलेक्ट्रोडों का विभव क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। तो ये संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव अपन बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो धातु और अधातु हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव की गणना के लिए इसको अपन प्रयुक्त करेंगे। और इसका विभव कितना मानेंगे? स्वेच्छा से शून्य। कितना मानेंगे? स्वेच्छा से शून्य, मानक परिस्थिति में मानेंगे। समझ गए? ऐसी बात। तो एक बार इसका अपन चित्र बनाते हैं। देखो इसमें होता क्या, ऐसा आपके पास कोई कंटेनर होता है, इसमें मैं इकाई सांद्रता का विलयन मान लेता हूं HCl। समझ गए? इसमें क्या है? HCl। इसकी सांद्रता क्या है? इकाई
जो विलयन मरा गया उसकी सांद्रता क्या है? इकाई। अब इसी में एक कांच का मेरे पास पात्र होगा, उस कांच के पात्र में मैं क्या करूंगा? देखो मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, तो बेटा हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस का तो इलेक्ट्रोड ले ले सकते, कोई द्रव होता तो उसका भी इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते, क्योंकि छड़ तो यहां पर होगी नहीं, जैसे जिंक की छड़ होती है, कॉपर की छड़ होती है, वैसे तो यहां पर छड़ तो होगी नहीं मेरे पास। तो मैं एक व्यवस्था करता हूं कि इसके अंदर मैं यहां पर ये एक टुकड़ा डुबो देता हूं, और ये किसका टुकड़ा है? प्लेटिनम का टुकड़ा है। किसका है? प्लेटिनम। ये कम क्रियाशील धातु है, प्लेटिनम क्या है? कम क्रियाशील धातु। और ये HCl का इकाई सांद्रता का इसमें यहां पर सॉल्यूशन भरा गया है, और यहां से मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन गैस पास करूंगा। ये एक बार यहां पर वायुमंडलीय दाब पर इसको क्या की जाती है? इसके अंदर पास किया जा रहा है गैस को। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार किसी व्यवस्था होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो ये यहां पर अगर गैस अभिक्रिया में काम में आ रही है, तब तो इस प्लेटिनम की सरफेस पर रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्लेटिनम है केवल सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्शन में ये काम में नहीं लेगा, ये हाइड्रोजन गैस ही आएगी काम में। तो बात समझ में आ गई। और देखो क्या होगा, एक्सिस में जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी, और जो यहां पर अभिक्रिया में काम में आनी है वो काम में आ जाएगी। तो ये जो है व्यवस्था, ये बतौर एनोड भी कार्य कर सकती है और कैथोड भी कार्य कर सकती है। ये एनोड की तरह भी प्रयुक्त हो सकता है और कैथोड की तरह भी प्रयुक्त हो सकता है। यहां पर जो सांद्रता है वो क्या होगी? H+ की जो सांद्रता है वो क्या होगी? 1 मोलर। कितनी होगी? 1 मोलर। बात समझ में आ गई? ऐसी व्यवस्था होती है। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग लिखो, फिर अपन देखते हैं। यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिखो। यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इलेक्ट्रोड कैसे? क्योंकि एक अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके साथ में दूसरा कुछ लेना पड़ता है। तो ये सब धातु और अधातु के साथ में ले लिया मानक परिस्थितियों वाला, और फिर सबका इसके साथ में ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, ऐसे देख लिया, और इसका क्या मान लिया? 0 मान लिया। समझ गए ना? अरे बात समझ गए ना? इसका तो क्या मान लिया? 0। और दूसरी धातु इसके साथ बतौर उन पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, तो वो अपने अपने हिसाब से उन सबको क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। आगे लिखो, इसके लिए स्वेच्छा से मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव 0 मान लिया जाता है। 0 माना गया है ऐसे। यह गैस गैस आयन अर्धशेल का उदाहरण है। हाँ देखो, ये किसकी तरह कार्य कर सकता है? एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है और कैथोड की भांति। अरे ज्यादा ऑक्सीकरण दर्शाने वाली जो गैसें हैं, जैसे जिंक हो गया आपका है, और दूसरी धातुएं हो गई ज्यादा क्रियाशील, तो उनके साथ तो इस पर क्या होगा? अपचयन होगा। और बाकी की जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कॉपर हो गई, गैसे जो आधातुएं हो गई, उनके साथ इस पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ये
कुछ की साथ तो ओक्षिकारक की भांति एनोड की भांति कार्य करेगा और कुछ की साथ कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। तो अगर ये बतौर एनोड प्रयुक्त तो होता है तो उस स्थिति में इस पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है उसकी बात करते हैं। लिखिएगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है तो निम्न रिएक्शन संपन्न होती है। अरे एनोड की भांति कार्य करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो ध्यान में रखना, H2 आपके पास गैस पास की जा रही है तो उसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, अरे 2H+ बनेगा कि नहीं बनेगा, और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे रे बेटा, तो ये वाली रिएक्शन ही हो जाएगी। बतौर एनोड कार्य करेगा तो इस प्रकार की रिएक्शन संपन्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अरे ऐसी होनी चाहिए ना, तो यही अभिक्रिया संपन्न होगी। H2 गैस, गैस ही है, कन्वर्ट होगी किसमें, 2H+2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ये रिएक्शन संपन्न होती है। नोट कीजिएगा इसको, H2 गैस कन्वर्ट होगी किसमें, H+1+ में, और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गए, रिलीज हो गए। ये N है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभिक्रिया में आगे पढ़ेंगे अपन लेंसर्ट समीकरण में, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या N क्या है, अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है तो निम्न रिएक्शन संपन्न होती है, यानी ये क्या है आपकी, ये अभिक्रिया क्या है, एनोडिक हाफ रिएक्शन हुई कि नहीं हुई रे, अरे एनोडिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई बेटा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करेगा तो एनोडिक हाफ रिएक्शन हुई कि नहीं हुई है, तो एनोडिक हाफ रिएक्शन इस प्रकार से संपन्न होती है। अब इस एनोडिक हाफ रिएक्शन को आप सेल आरेख के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, सेल आरेख में कैसे निरूपण करेंगे, अरे एनोडिक हाफ रिएक्शन यहां पर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो उसका सेल निरूपण में कैसे निरूपित करेंगे बताओ। देखिए, देख ध्यान देना, यहां पर H2 गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है भाई, अरे H+ में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, यहां पर H2 गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, H+ में कन्वर्ट हो रही है, अरे हो रही है कि नहीं, ये एक बार लिख देता हूं। अब ये आपकी एनोडी एड अभिक्रिया है, एनोडी हाफ रिएक्शन पहले लिखते हैं उसके बाद में कैथोडिक वाली अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ लेना देना नहीं, यहां पर साल लग ही जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर आपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो ले नहीं रखा है, अरे हाइड्रोजन तो गैस होती है, गैस या द्रव अवस्था में जो होते हैं जो रिएक्शन संपन्न जिनके लिए होंगी उनके लिए आप उस धातु का ठोस इलेक्ट्रोड काम में थोड़े ही ले सकते हैं, इसलिए ये जो अभिक्रिया है वो किसकी सरफेस पर हो सकती है, हो रही है प्लेटिनम की सतह पर हो रही है, तो यहां पर इसको दर्शाने के लिए इसके पहले क्या लिख देते हैं अपन, प्लेटिनम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, प्लेटिनम। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अभिक्रिया है वो किसकी सरफेस पर संपन्न हो रही है, प्लेटिनम की सरफेस पर, पीटी सोनी ऐसे लिख, फिर कड़ी लाइन से इसको अलग कर दी।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बतौर एनोड अगर कहीं पर प्रयुक्त हो रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उस स्थिति में एनोड हाफ रिएक्शन तो ये होगी। और जो आपका अर्ध शैल निरूपण होगा एनोड वाला, वो कुछ इस तरह से होगा, H2 गैस है वो H+ एक्वस में कन्वर्ट हो रही है। फिर आगे मैंने साल्ट भरी दर्शा दिया और इसके साथ में जो भी कैथोडिक रिएक्शन है उसका शैल निरूपण कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर धातु तो कोई है नहीं आपकी, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोड तो काम में ले नहीं सकते बेटा, तो हाइड्रोजन वाली जो रिएक्शन है वो इस प्लेटिनम की सतह पर संपन्न हो रही है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की सतह पर संपन्न हो रही है। इस कारण से इधर क्या लिख देते हैं अपन, पीटी सोलेट लिख देते हैं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन संपन्न हो रही है ये किसकी सरफेस पर संपन्न हो रही है, प्लेटिनम सोलिड की सरफेस पर संपन्न हो रही है। आ समझ में आ गई, अरे वहां समझे कि नहीं समझे। और रिएक्शन अगर साम्यावस्था में है तो इसके लिए अगर अपन क्यों लिखे तो वो क्या हो जाएगा, देखो उत्पादों की सांद्रता बता, क्रियाकारकों की सांद्रता, और क्रियाकारक यहां पर आपके पास क्या है, ये द्रवावस्था में तो है नहीं, गैस है, तो गैस के लिए अपन क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर काम में लेंगे। बात समझ में आ गई, क्या काम में लेंगे, प्रेशर काम में लेंगे। तो ये उत्पाद एच प्लस की सांद्रता इसकी पावर 2 लग जाएगी और नीचे ये प्रेशर किसका हो जाएगा, एच टू गैस का हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे ये, अगर आगे जाएंगे अपन नेंसर समीकरण तब काम में आएगा ये, क्यों अभिक्रिया भाग फल है। आगे लिखो ये वाले लिखने के बाद में लिखो, इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या, ये रिएक्शन लिखिए, आप दो नंबर दो डालकर लिखो, ये तो एक नंबर था, दो नंबर लिखो। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करता है, कैथोड की भांति कार्य करता है तो निम्न रिएक्शन संपन्न होती है, अरे कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो देखो अपचयन अगर होगा तो क्या होगा, 2H+ ये कैथोडिक हाफ रिएक्शन लिखेंगे, 2H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई, उल्टी रिएक्शन हो गई, जो अभी लिखी थी उसके जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन आप लोगों ने कर दी, अरे लिखा ही नहीं। तो इसका शैल निरूपण क्या हो जाएगा, देखो ये कैथोडिक हाफ रिएक्शन है तो एनोड वाली पहले लिखी जाएगी, फिर साल्ट ब्रिज आएगा और अब कैथोडिक शैल का निरूपण आएगा। कैसे, देखो एच प्लस एक्वस, सॉरी एक्वस लिखो यहां पर, एच प्लस एक्वस, फिर उसके आगे तीसरी लाइन, और ये आपकी क्या हो गई, एच टू गैस, और फिर लाइन खींच के प्लेटिनम सोलिड ऐसे दर्शाएंगे। और इसके लिए अभिक्रिया भाग पर लिखें तो क्या लिखेंगे, पी एच टू वाई एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन की होल पावर 2, क्यों अभिक्रिया भाग फल है, क्या लिखेंगे, उत्पाद के लिए पी एच टू वाई एच प्लस आइन जो है उसकी कंसंट्रेशन ऐसे, एनोड और कैथोड की भांति ये कार्य करता है तो उसके लिए आप लोगों ने लिखी। आप देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखो, इसके बारे में मैंने ज्यादा वर्णन करवाया नहीं है, देखो चित्र आप लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लेना।
कि ऐसे गैस पास करते हैं, इतने दाब पर करते हैं, ये सारी सारी नॉर्मल बातें हैं जो आप लोग चित्र इसका पूछा गया है एक बार, मानक जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका चित्र पूछा गया, और इसकी जो एनोडी है और कैथोडी है अभिक्रियाएं हैं वो बहुत बहुत काम की है, ध्यान में रखना। इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न भी अपन आगे देखेंगे। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ी थी कि जो धातुएं हैं अधातुएं उनकी क्रियाशीलता का क्रम पढ़ा था, उसी आधार पर ये भी क्रियाशीलता का एक तरीके से क्रम है, जिनको जिसमें सारे के सारे धातु और अधातु जो सभी तत्व हैं उनको उनके जो अपचयन विभव है उसके बढ़ते हुए क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उस सारणी को क्या बोलते हैं अपने, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। इसमें जो ऊपर आने वाले जो तत्व है एलिमेंट है उनके ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, यानी उनका ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, उच्च होता है। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम इस सारणी में सबसे ऊपर आता है, लिथियम का ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसका जो ऑक्सीकरण विभव वो तो उच्च होगा और अपचयन विभव क्या होगा, निम्नतम होगा। अब इसका ऑक्सीकरण विभव उच्च है तो इसका जो ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी किसी दूसरे का क्या करवाएगा, अपचयन कराएगा, यानी इसका अपचायक सामर्थ्य क्या है, अधिकतम, यानी ये प्रबल अपचायक की भांति कार्य करेगा। हाँ समझे कि नहीं समझे है, और दुर्बलतम ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये जो सारणी है वो अपन यहां पर नोट करते हैं। पहले ऊपर ही ऊपर एल आई लिखते हैं अपन, के बा से काना मांगे अनमारी मनी जमी कार सीडी प्लेयर
ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल छड़ी। एक बार देखते हैं, अभी याद हो जाएगी आप लोगों के, बहुत बहुत काम की है ये। इतनी बड़ी अपनी बुक में है नहीं, थोड़ा सा इसमें छोटा रूप है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताई है कि आगे आप लोगों के काम में आए। जहां तक आप लोग पढ़ोगे आपके लिए काम में आएगी, बहुत बहुत हेल्पफुल होगी केमिस्ट्री के लिहाज से ये। तो अच्छे से इसको याद करना, इसके लिए जो याद रखने की ट्रिक है वो भी आप लोगों को मैंने नोट करवा दिए। देखो, देखते हैं कैसे। ली लिथियम हो गया, ये आपका पोटेशियम हो गया। ली के बाप से काना मांगे अलमारी मनी जमीन कार फ्रिज सीडी प्लेयर कूलर नहीं शादी पोस्टपोन है। यहां तक आपने लिखा, तो इतना लिखा तो अपना यह हाइड्रोजन आ गया। इस हाइड्रोजन के लिए मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों का मान ही क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यह बतौर संदर्भ इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है। इसका स्वेच्छा से क्या मान लिया आपने, शून्य मान लिया। और इसके साथ सारे के सारे जो धातु दूसरी और जो अधातु है वो कैसा बिहेव करती है उसके आधार पर ही मानक परिस्थितियों में इन सब के अपचयन विभव का मान अपन ने क्या कर लिया बेटा, काउंट कर लिया। तो उसी आधार पर ये टेबल बनाई गई है। अब अगर इससे कम क्रियाशील वाली जो धातु है वो कौन सी हो गई, कौन का मतलब ये कॉपर आ गया, फिर आए होंगे आगे ब्राह्मण पंडित और क्लास में सोते फिरती। ये आपका पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनी पूरी हो गई। अब इसका मतलब आप लोग देखो, देखो इसके लिए एसआरपी का मान क्या है, नेगेटिव। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। तो सबसे कम जो मानक अपचयन विभव है वो किसका होता है, लिथियम का। इसका लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम है, इसके लिए एसआरपी नेगेटिव में है। तो एसओपी किसमें होगा बेटा, पॉजिटिव में, 3.05 वोल्ट होगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, यानी इसके ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होगा, उच्च होगा। हाँ दिखाई दे रहा है, देखो ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा उच्च किसका होगा, लिथियम का। किसका होगा, अब ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप भी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। यानी आवर्त सारणी में ये जो अपने धातु और अधातु हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाएगी, लिथियम। लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। बात समझ में आ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो गेन करेगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, इलेक्ट्रॉन वो कोई गेन करेगा तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, अपचायक की भांति, यानी किसी दूसरे का क्या करेगा, अपचयन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, इस कारण से ये क्या करेगा, प्रबलतम अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा बेटा, प्रबलतम अपचायक की भांति कार्य करेगा। बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो, नीचे अगर अपन जाएंगे तो नीचे जाने पर अपचायक सामर्थ्य बढ़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाने पर, सॉरी नीचे जाने पर अपचयन विभव का मान बढ़ेगा। ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे की तरफ जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या बढ़ेगा।
विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की तरफ जाने पर अपचयन विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अपचयन विभव क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति की माप। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी धातु और अधातुओं की। तो अगर अपन देखें तो F2 है उसके लिए अपचयन विभव का मान क्या है? सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रबल तरीके से अपनी ओर खींचेगा। वहां समझ गए? तो अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, खुद का क्या करेगा? अपचयन करवाएगा, तो किसी दूसरे का क्या करवाएगा? ऑक्सीकरण, यानी ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है। प्रबलतम क्या है? ऑक्सीकारक, स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा आपका क्या? F2। वहां समझ में आएगी नहीं? और हाइड्रोजन तो बीच में आ रहा है, तो नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? अपचयन विभव बढ़ेगा। अपचयन विभव बढ़ेगा यानी ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ेगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीकारक विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा यानी अपचायक सामर्थ्य क्या होगा? बढ़ेगा। इसके बारे में दो चार लाइनें लिखो, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, ये तो आपने बना ली होगी। अब इसके बारे में लिखो, तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सारणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। आगे वाली लाइन में डालकर लिखिएगा, लिथियम का मानक अपचयन विभव, कोष्ठक में लिखना SRP, लिथियम का मानक अपचयन विभव SRP न्यूनतम तथा क्लोरीन का मानक अपचयन विभव अधिकतम है। अधिकतम होने के कारण लिथियम प्रबलतम अपचायक, तथा फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लाइन में डायलॉग कर लिखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाने पर
नीचे जाने पर तत्व के स्व ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति नीचे जाने पर तत्व के स्व ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति बताओ बढ़ेगी कि घटेगी? घटती है। स्व ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटती है। अरे अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है नीचे आने पर, तो स्व ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति क्या है? घटती है। अतः यदि किन्हीं दो तत्वों द्वारा गैल्वनी सेल का निर्माण करना हो तो ऊपर स्थित तत्व एनोड की भांति व्यवहार करता है। देखो एक बार दोबारा ध्यान दे लेना, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें नीचे की तरफ अगर अपन जाते हैं तो जो तत्व है उनके स्व ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है, क्योंकि अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो स्व ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। अतः अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर किन्हीं दो तत्वों को अगर अपन पकड़ लें तो ऊपर वाला जो तत्व है, ऊपर स्थित तत्व है, वो बतौर एनोड की तरह कार्य करेगा, क्योंकि उसके ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति क्या है? नीचे वाले से ज्यादा है। समझे बात को? नेक्स्ट लाइन में डह डाल कर लिखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तथा अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। देखो अधातु ये हैं, उनकी अपन बात करें, अधातु ये हैं, आपने हेलोजन उनकी क्रियाशीलता के क्रम की बात करें, लिखते जाओ क्रियाशीलता का क्रम। अगर आपके जो हेलोजन है इनमें क्रियाशीलता के क्रम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है? देखो F2 Cl2 Br2 देन I, ये हो गई इनकी क्रियाशीलता का क्रम। अगर ऑक्सीकारक सामर्थ्य की बात करें तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य कैसा होगा? प्रबलतम ऑक्सीकारक अभी देखा है क्या होता है? फ्लोरीन। तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीकारक सामर्थ्य, नोट करो, सबसे ज्यादा F2 का, फिर Cl2 का, देन Br2 I2, ये हो गया ऑक्सीकारक सामर्थ्य। बहुत बहुत काम की बात है। इसके आगे लिखो अपचायक सामर्थ्य का क्रम,
ये क्रम होता है। नेक्स्ट लाइन में डैश डाल कर लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे जिंक है, अरे ये जो हाइड्रोजन है इसे ऊपर स्थित धातु है कि नहीं जिंक, इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस रिलीज करेगी बताओ, अरे कौन सी गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बन जाएगा, ZN ज्यादा क्रियाशील है तो ZnSO4 देन आपकी हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। लेकिन नीचे स्थित धातु की अगर अपन बात करें, कॉपर की बात करें, तो कॉपर इसके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, ये वाली रिएक्शन। जैसे Cu है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो अगर यहां पर अपन सोचना चाहें कि Cu SO4 बन जाए और H2 गैस आपकी रिलीज हो, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, ये ऐसा नहीं होता। आगे लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके यौगिकों में से विस्थापित कर देती है। जैसे अरे देखो ना, इसका ऊपर स्थित धातु है वो नीचे स्थित तत्वों में से को उसके यौगिकों में से क्या कर देती है, विस्थापित। जैसे जिंक है, ये Cu SO4 के साथ अगर रिएक्ट करे तो क्या हो जाएगा बताओ, जिंक ऊपर आ रही है, ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित तत्व को उसके यौगिकों में से क्या कर देती है, विस्थापित, इस कॉपर को अलग कर देती है, क्या बन जाएगा, ZnSO4 with Cu, इस कॉपर को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरह से आपकी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी अपन ने चर्चा की, आप लोग है इसको अच्छे से पढ़कर आना, समझ गए, नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो इसको अच्छे से पढ़कर आना। आप देखो इसमें अगर अपन बात करें अपने इस चैप्टर में, तो अपने पास जो सेल है वो बचे, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल ये बचे, तो ये सेल अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा इनमें से कुछ पूछा जाएगा तो आपकी जो सेल रिएक्शन है वो पूछ सकता है, एनोडी सेल रिएक्शन, कैथोडी सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, तो उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज जो पढ़ाया है आपको, जो इलेक्ट्रोड विभव है, सेल विभव है, उसके बारे में अपन ने थोड़ी थोड़ी बातें की, तो घर जाके इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आज पढ़ाई है घर जाके इसको अच्छे से याद कीजिएगा, घर जाके क्या घर पर रहते हुए है, तो अच्छे से पढ़ना, जो यहाँ पर पढ़ाया है उसमें अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट टाइप कीजिएगा, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, लिख रहा है। थैंक यू।